अग्रवाल न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग 2023 का आयोजन राजधानी जयपुर में आज हो रहा है। राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग 2023 का आयोजन हुआ। बता दें कि यह आयोजन PHDCCI राजस्थान के सहयोग से जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 1 दिसंबर को हुआ। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम यही समय है सही समय है विषय पर आधारित है। बता दें कि इस वार्षिक कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ हैं। इस दौरान कालीचरण सराफ द्वारा एक व्यापक छात्र संचालित SME रिपोर्ट का भी अनावरण किया। यह रिपोर्ट राजस्थान के लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में उद्योग विसर्जन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि पर आधारित है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न चर्चाओं और पैनलों के माध्यम से 30 से अधिक प्रतिष्ठित उद्योगपति और एक्सपर्ट्स ने अपने विचारों को साझा किया है। इस दौरान कार्यक्रम में कालीचरण सराफ ने भी अपने विचारों को साझा किया है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि राजस्थान के विकास के संदर्भ में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तत्वावधान में ये राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ इनकी ये कल्पना कि राजस्थान किस प्रकार से विकसित हो सकता है, किस प्रकार से विकास की ओर चरण बढ़ा सकता है, इसकी ओर इन्होंने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये डायलॉग राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन विकास के काम में मील का पत्थर साबित होंगे। और यहाँ जिस डेडिकेशन के साथ ये इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुरिया मैनेजमेंट, इसका जहाँ तक है ये राजस्थान का पहला निजी संस्थान है। और यहाँ मुझे बताया गया कि प्लेसमेंट 100% है। जितने बच्चे यहाँ से निकलते हैं उन सबका प्लेसमेंट हो जाता है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। राजस्थान में भी हमारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए फख्र की बात है। एग्जिट पोल के रूप जो है अनुमान आए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी एग्जिट पोल हो चाहे कुछ भी हो, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है, इसमें कहीं कोई अंदेशा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो क्या प्रमुख कारण, किन चीजों पर मतदाताओं ने? एंटी इनकम्बेंसी सरकार की, 5 साल की निष्क्रियता, कहीं कोई काम नहीं, कानून व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टिकरण, ये इस प्रकार के कारण हैं जिसके कारण राजस्थान की जनता कांग्रेस से खिलाफ है और कांग्रेस सत्ता से हटेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार कहते हैं कि भाजपा में 7-8 जो है मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं, कौन होगा? ये लोकतंत्र है, इसमें राजस्थान में विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायकों की राय से शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके साथ ही जयपुरिया के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात पंकज ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम 1 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 10 बजे शुरू हुआ और इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि PHDCCI राजस्थान चैप्टर के उपाध्यक्ष एवं DD फार्मास्ट्रलाइजेस के डायरेक्टर अमित कुमार चौधरी होंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वरुण चोटिया और डॉक्टर अपर्णा मेहंदीदत्ता करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये स्पेशल इनिशिएटिव है जो हमने 7 साल पहले शुरू किया था, ये 7th एडिशन है। इसमें हम लोग राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग का के रूप में इसको हम दिन भर का प्रोग्राम करते हैं। डायलॉग का मतलब ये है कि राजस्थान के भविष्य के लिए चर्चा होती है और इस बार जो चर्चा हो रही है उसमें करीब 35 इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं और एकेडमिया से लोग जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और अलग अलग 11 थीम के ऊपर डेवलपमेंट डायलॉग होगी। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि अपने विद्यार्थी और जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं उनको राजस्थान के साथ जोड़ना और उनके व्यूज़ को भी काउंट करना कि राजस्थान के डेवलपमेंट में यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उस पर हमारा एम्फेसिस है। खास करके जो एजुकेशन का क्षेत्र है उसमें हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर के भाग लें और राजस्थान को विकसित राष्ट्र स्टेट बनाने में योगदान करें।
सेमिनार हुआ, किस तरह के डेवलप पर बात की गई? सर, ये जो जयपुरिया इंस्टीट्यूट पी एच डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलकर राजस्थान डेवलपमेंट समिट पर जो बात की है, इस पर कुछ सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग है राजस्थान में, एक तो मेडिकल पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर में आ रहा है उस पर बात हुई है, दूसरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो एक नया इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है राजस्थान में, उसके ऊपर बात की गई है। इसके अलावा जो BMRC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो दौसा और फुलेरा इन दोनों में जो वेयर हाउसिंग के ऊपर काम होने वाला है और राजस्थान में जो डेवलपमेंट की अपचूर संभावनाएं इनके कारण से दिख रही है, उस पर यहाँ पर बात की गई। इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राजस्थान का एक बड़ी समस्या है, तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट होता हुआ देखिए? देखिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दो तरह का दृष्टिकोण है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर वहाँ पर नज़र आता है जहाँ पर लोग केवल सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों को आदमियों की कमी है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और राजस्थान में और इंडस्ट्री में जो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप बढ़ रहा है, उसमें तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। मैं दिग्विजय ढाबे, चेयरमैन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजस्थान, ठीक है सर, इंडस्ट्री से भी।